हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पलक की सास अक्सर बीमार रहती है। एक दिन सुलोचना पलक को अपने कमरे में बुलाती है और पलक से अपने पैरों की मालिश करवाने लगती है। तभी सुलोचना उसको अपनी इच्छा बताने लगती है। अरे बहू, आजकल मेरी ज्यादा ही तबीयत खराब रहती है। पता नहीं कब तक मेरी सांस रुक जाए और मैं भगवान को प्यारी हो जाऊं, इसलिए मरने से पहले मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दे। अरे माँ जी, ऐसे मत बोलिए, कुछ नहीं होगा आपको। मैं सोच रही हूँ कि हम भंडारा करवा देते हैं, गरीब लोगों को खाना खिला देते हैं, जिसके बाद मैं चैन से मर सकूंगी। हाँ हाँ माँ जी, ये तो बहुत अच्छा विचार है। क्या पता गरीबों की दुआ से आपकी तबीयत में भी कुछ सुधार आ जाए। हाँ बहू, मैं चाहती हूँ कि भंडारे में तू अपने हाथ से खाना बनाए। क्या मैं भंडारे का सारा खाना? कोई नहीं माँ जी, मैं बना दूंगी। पलक सुलोचना के पैरों की मालिश कर देती है, जिसके बाद सुलोचना सो जाती है। अगले दिन सुबह पलक उठकर घर का सारा काम खत्म करने के बाद भंडारे की तैयारी करने में लग जाती है। थोड़ी देर में भंडारा बांटने के बाद सारे आराम करने चले जाते हैं। इस बीच सुलोचना पलक से कहती है, चल बहू, मेरी अंतिम इच्छा तो पूरी हो गई, अब मैं चैन से मर सकती हूँ। माँ जी, ये तो बहुत पुण्य का काम होता है। आपकी इच्छा भी पूरी हो गई और मुझे पुण्य भी मिल गया। हाँ सही बोल रही है, चल अब मुझे मेरे कमरे तक छोड़ दे, मैं भी थोड़ा आराम कर लूँ। पलक अपनी सास को कंधा देती हुई सुलोचना के कमरे तक उसको छोड़ देती है। दिन बीतते जाते हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। कुछ दिनों के बाद खाने की टेबल पर सुलोचना पलक को कहती है, मैं सोच रही हूँ कि हम हरिद्वार जाकर गंगा स्नान कराते हैं, पता नहीं कब मैं परलोक से धार जाऊँ, कुछ नहीं पता। अरे माँ, क्यों आप हर बात पर मरने की बात करने लग जाती हो? आपको हरिद्वार ही जाना है ना, चलो हम चलते हैं। हाँ माँ जी, रमेश जी सही बोल रहे हैं, अगर आपको गंगा स्नान करना है तो हम लोग हरिद्वार जाएंगे और आपकी इच्छा भी पूरी करेंगे। खाना खत्म करने के बाद सारे अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। अगले दिन पलक हरिद्वार जाने की तैयारी करने लगती है और रमेश भी हरिद्वार की टिकट बनवाने के लिए चला जाता है। अगली सुबह सुलोचना, पलक और रमेश तीनों हरिद्वार के लिए निकल जाते हैं, जहां गंगा स्नान करके तीनों पूजा करके घर आ जाते हैं। घर पहुंचकर पलक बोलती है, चलिए माँ जी, आपकी ये इच्छा भी पूरी हो गई, हरिद्वार में गंगा स्नान कर लिया, अब तो आप खुश है ना? हाँ बहू, तो कितनी प्यारी है, तुम दोनों इस बुढ़िया की सारी इच्छा पूरी कर रहे हो। आजकल के बहू बेटे अपने बुढ़े माँ बाप की कोई बात नहीं मानते और तुम दोनों मेरी इच्छाओं को पूरी कर रहे हो। माँ जी, ये तो हमारा कर्तव्य है कि अपने माता पिता की बात माने हम, और मैंने कभी आपको अपनी माँ से कम नहीं समझा। तेरे जैसी बहू भगवान सबको दे, जो अपने सास ससुर का ख्याल अपने माता पिता की तरह रखती हो। हाँ माँ जी, अब आप आराम कर लीजिए, आप बहुत थक गई होगी। चलिए मैं आपको आपके कमरे में छोड़ देती हूँ, फिर मैं भी अपना काम खत्म करके थोड़ा आराम कर लूँगी। दिन बीतते जाते हैं। एक दिन सुलोचना की पड़ोसन पुष्पा सुलोचना से मिलने उसके घर आती है। दोनों बैठते हैं, दोनों चाय पीते हुए एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं और आपस में एक दूसरे को बाहर की खबरें देते हैं। तभी पुष्पा उसे बताती है कि सुलोचना, तुझे पता है क्या अपनी वो गली के पीछे वाली दादी जी की अंतिम इच्छा क्या थी? हाँ हाँ बता, कि इच्छा क्या थी, मुझे तो आजकल कोई खबर ही नहीं रहती है। उनकी आखिरी इच्छा थी कि वो गोवा घूमे, समुन्द्र में नहाए, थोड़ी बाहर खुली हवा में घूम के आए। अच्छा, बड़ी ही अजीब इच्छा थी दादी जी की, उनके मुंह में तो दांत भी नहीं है। हाँ सही बोल रही है तू, एक पैर कब्र में है उनका और उनको गोवा जाकर मौज मस्ती करनी है, ये कैसी इच्छा हुई भला। अच्छा चल, अब मैं चलती हूँ, बहुत ज्यादा वक्त हो गया। अच्छा चल ठीक है, और घर पर आती रहा कर, मेरा भी मन लग जाता है। सुलोचना पुष्पा को बाहर तक छोड़ कर आती है और अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। सुलोचना पुष्पा की बातें याद करती है और दादी की अंतिम इच्छा सोच सोच कर हंसती रहती है। फिर उसको वो अपनी जवानी के दिन याद आते हैं और वो याद करने लगती है। थोड़ी देर बाद सुलोचना पलक को अपनी कमरे में मालिश के बहाने से बुलाती है। बहू, अरे बहू सुन रही है, कहाँ मर गई, इस बुढ़िया की बात भी सुन लिया कर। अपनी सास की आवाज़ सुनकर पलक कहती है, आई माँ जी आई, बस अभी आई। आते वक्त थोड़ा तेल गरम करके लेकर आइयो। जी माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। पलक रसोई में जाती है
और तेल गर्म करने लग जाती है। तभी फिर से सुरुचना की आवाज आती है। पलक फटाफट गैस बंद करके गर्म तेल अपनी सास के कमरे में लेकर आती है और उसके पैरों में तेल लगाने लगती है। तभी सुलोचना पलक से कहती है, तुझे पता है जब मैं इस घर में नई नवेली दुल्हन थी ना, तब तेरे ससुर जी ने मुझे गोवा ले जाने के लिए वादा किया था। अच्छा तो माँ जी, आप गोवा घूमकर आ गईं? अरे नहीं बहू, गोवा जब तक घूमने जाती तब तक रमेश का जन्म हो गया। फिर घर के सारी जिम्मेदारी मैंने ही संभाल ली। इतना वक्त ही नहीं मिला कि वो वादा मुझे याद रहे। फिर तेरे ससुर जी का देहांत हो गया। अच्छा माँ जी, कोई बात नहीं माँ जी, सबकी सारी इच्छाएं पूरी थोड़ी होती हैं। जो इच्छा रमेश के पापा ने नहीं पूरी करी वो तुम दोनों पूरी कर देना। मेरा भी मन करता है कि मैं भी गोवा जाऊँ और समुन्द्र किनारे बैठकर सनसेट देखूँ। मेरी ये अंतिम इच्छा है, पूरी कर दो, मुझे गोवा ले चलो, पता नहीं कब मैं मर जाऊँ। हाँ हाँ माँ जी, रमेश जी को आने दीजिए, मैं उनसे आपकी इस इच्छा के बारे में भी बात करती हूँ कि अब आपको गोवा जाना है। अब पलक अपनी सास के कमरे से बाहर आती है और अपने आप से बात करते हुए कहती है, ये बुढ़िया ना मर रही है ना मुझे चैन से जीने दे रही है। हर चार दिन में इसकी नई नई अंतिम इच्छाएं आ जाती है। अब इसको गोवा जाना है और समुद्र किनारे बैठ कर सनसेट देखना है। एक पैर कब्र में है और महारानी को गोवा घूमना है। ये सब बोलते बोलते वो अपनी रसोई में जाकर शाम के खाने की तैयारी करने लगती है। तभी गेट की डोरबेल बजती है। वो बाहर जाती है और गेट खोलती है तो वहाँ रमेश आया था। वो उसका बैग लेती है और रमेश अंदर आता है। रमेश फ्रेश होकर हॉल में खाना खाने बैठ जाता है। तभी पलक उससे कहती है, अजीत सुनते हो, आपकी माता जी की एक और अंतिम इच्छा है। हाँ तो क्या हुआ, माँ है वो मेरी, उनकी सारी इच्छा पूरी करना मेरा धर्म है। आपकी माँ को गोवा जाना है और समुद्र किनारे बैठकर सनसेट देखना है। हाँ देखते हैं, इस बारे में बाद में बात करते हैं, अभी मैं बहुत थक गया हूँ, अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं तो चला सोने। रमेश सोने चला जाता है और पलक भी अपना काम करने लगती है और खुद ही अपने आप से बात करने लगती है और बोलती है, अब माँ जी का बहुत ज्यादा हो रहा है, अब इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। इन्होंने मुझे तो इच्छा पूरी करने वाला जिन बना रखा है। बहू ये इच्छा पूरी कर दे, बहू वो इच्छा पूरी कर दे, सुबह से शाम तक इनकी इच्छा ही पूरी करूं। पलक सुबह 6 बजे उठ जाती है और नहा धोकर पूजा करने के लिए जा ही रही होती है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। कुछ देर बाद सुलोचना अपने कमरे से बाहर आती है और पलक को नीचे गिरा देखकर पलक पर चिल्ला पड़ती है, अरे बहू क्या हुआ, रमेश रमेश देख यहाँ बहू नीचे गिरी हुई है। अपनी माँ की आवाज़ सुनकर रमेश भाग कर आता है और बोलता है, क्या हुआ माँ, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो। रमेश कमरे से बाहर आता है और पलक को नीचे गिरा देखकर जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहाँ उसे एडमिट करते हैं और डॉक्टर से सुलोचना कहती है, डॉक्टर साहब मेरी बहू को ठीक कर दो। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, आपकी बहू को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर ये बोलकर अंदर चला जाता है और कुछ देर बाद पलक की सास और पति को अंदर बुलाते हैं और खुद बाहर चले जाते हैं। तभी पलक बोलती है, अब मैं माँ जी की आखिरी इच्छा कैसे पूरी करूँगी। बहू मुझे कोई इच्छा पूरी नहीं करवानी है, बस तू ठीक हो जा जल्दी से, मैं अपनी इच्छा तुझ पर थोपती गई और तू इस हालत में भी मेरी इच्छा पूरी करती रही, मुझे माफ कर दे, मेरी ही सारी गलती है, अब मैं कभी तुझसे अपनी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए नहीं बोलूंगी। इतना बोलकर सुलोचना पलक को अपने गले से लगा लेती है और घर जाकर खूब सेवा करती है ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। सुलोचना को एहसास हुआ कि अपनी सारी इच्छाएं दूसरों पर नहीं थोपनी चाहिए। अनिल और उसकी बीवी दीपा कहने को तो साथ रहते थे लेकिन उन दोनों में पति पत्नी जैसा कुछ नहीं था। दीपा तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती कि उसकी शादी बाकी शादियों की तरह बनी रहे लेकिन उसकी लाख कोशिशों का भी कोई फायदा नहीं था क्योंकि अनिल की शादी से पहले ही एक मीनू नाम की लड़की से दोस्ती थी, यानी वो उससे प्यार करता था लेकिन अपनी माँ की मर्जी की वजह से वो दीपा से शादी कर लेता है। लेकिन जब बात उसके हाथ में नहीं रहती तो वो तंग होकर मीनू से दूसरी शादी कर लेता है और शादी के बाद वो उसे लेकर अपने साथ घर आता है और दीपा और अपनी माँ को बताते हुए कहता है, माँ ये आपकी बहू है, मैंने इसे दूसरी शादी की है, अभी हमारे साथ ही रहेगी। नालायक तुझे शर्म नहीं आई,
एक बीवी पहले ही घर में बैठी है और तू दूसरी बीवी को ले आया। तूने ये नहीं सोचा कि लोगों को पता चलेगा तो लोग क्या बोलेंगे। माँ, मैंने दीपा से शादी बस आपके बोलने से की थी, वरना तो मैं दीपा से शादी भी नहीं करता। लेकिन मैं मीनू के बिना भी नहीं रह सकता हूँ, इसीलिए मैंने बहुत कोशिश की कि ना करूं, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया और मैंने इससे शादी कर ली। और मेरा क्या, मैं तो आपकी बीवी हूँ ना, मेरे बारे में थोड़ा तो सोच लेते, अब मैं क्या करूँ। दीदी, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों एक साथ एक ही घर में रह सकते हैं, पर आपका अनिल पर मुझसे ज्यादा हक है और मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। पहले तो मेरा घर तोड़ दिया और अब बोल रही है कि हम एक साथ एक घर में रह सकते हैं। पहले तो बस ये मुझ पर ध्यान नहीं देते थे, मैं वो भी बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन अब ये तो मेरे सामने ही एक दूसरी औरत के साथ रहेंगे, ये मैं कैसे बर्दाश्त करूँगी। मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम दोनों एक साथ रहोगी तो। ऐसे कैसे साथ रहेंगे, भले ही मैं आपकी दूसरी बीवी हूँ, लेकिन पहला प्यार तो आपका मैं ही हूँ, तो आपकी ये पहली पत्नी ज्यादा दिनों तक इस घर में नहीं रहेगी। मुझे कोई परेशानी नहीं है मीनू के साथ एक ही घर में रहने में, आप कम से कम मेरी परवाह तो कर रहे हैं ना, मैं इसी में बहुत खुश हूँ और अब मैं इसी घर में रहूँगी। ठीक है फिर, अगर तुम दोनों को कोई परेशानी नहीं है एक साथ रहने में तो मेरा क्या है, मैं क्या ही बोलूँ, जैसा तुम्हें ठीक लगे। हाँ, एक घर में तो रहेंगे ही, लेकिन कुछ ही समय के लिए, फिर तो मैं इसे घर से निकाल ही दूंगी। देखती हूँ मैं भी कि ये दोनों कैसे साथ रहते हैं। चलो ये भी ठीक है, अब ये घर में ही रहेगी तो मैं अनिल के साथ रोमांस करूंगी और दीपा घर का काम कर लेगी। अरे तुम दोनों कहाँ खो गई, क्या सोचने लग गई तुम दोनों अब। अरे नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं तो ये बोल रही थी कि शादी हो गई है, अब मेरी सौतन घर में आई है तो सारी रस्में भी तो होंगी ना। हाँ, अब तो यही करना है, बस बेटा दूसरी बीवी लाया है और तू उसकी नुमाइश कर, है ना। अगर रस्में नहीं होंगी तब तो इनकी सुहागरात भी हो जाएगी आराम से, अभी तक तो मेरी सुहागरात नहीं हुई तो इसकी कैसे होगी। अरे नहीं दीदी, आप लोगों ने मुझे स्वीकार कर लिया, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। अब बस ये सब मत करो अनिल, मैं बस आपके साथ थोड़ा समय अकेले में बिताना चाहती हूँ। ऐसे कैसे, अभी नई नई शादी हुई है, बाहर वालों का तो ना सही, कम से कम हम घर वालों के बीच में तो सारी रस्में होनी ही चाहिए। हाँ ये भी ठीक है, हम सारी रस्में घर में ही कर लेंगे। माँ, इन सब की क्या ही जरूरत है, शादी हो गई, आप लोगों ने अपना बना लिया, बस यही बहुत है, अब रस्में करना जरूरी है क्या। हाँ बिल्कुल, जब तक रस्में नहीं होंगी तब तक आप दोनों की सुहागरात भी नहीं होगी। अच्छा ठीक है, कर लो सारी रस्में, अब खुश। इतना बोलकर दीपा मीनू को शादी के बाद की सभी रस्मों में बिजी करके खुद अनिल के साथ समय बिताने लगती है और उसको बार बार अपने करीब लाने की कोशिश करती है, लेकिन रस्में भी कब तक चलती, थोड़ी देर बाद तो सारी रस्में खत्म हो जाती है। रस्में खत्म होने के बाद अनिल और मीनू अपने कमरे में जाते हैं और अनिल जैसे ही मीनू को अपनी बाहों में भरता है तभी वहाँ दीपा खाना लेकर आती है और बोलती है, अरे आप दोनों भूखे ही रहेंगे क्या, कुछ खाना वाना तो खा लीजिए। हाँ बिल्कुल, आप एक काम करो, खाना यही रख दो, हम दोनों खा लेंगे बाद में। तुम मेरी सौतन बस बोलने के लिए हो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बहन ही मानती हूँ, मैं तुम्हें खाना खिला कर ही जाऊंगी, बाद में क्या पता तुमने खाया हो या नहीं। अरे कोई बात नहीं, मैं अनिल के साथ बाद में आराम से खा लूंगी, आप भी तो थक गई होंगी ना, आप जाओ खाना खा लो। हाँ बात तो सही बोल रही हो तुम, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अकेले क्या ही खाऊंगी, मैं यहीं तुम्हारे साथ खा लेती हूँ, इसी बहाने थोड़ी बातें भी हो जाएंगी। अरे तुम्हें अभी सारी बात करनी है क्या, बातें तो बाद में भी हो सकती है ना, अभी कौन सी ट्रेन छूट रही है। आप भी कैसी बात करते हो, जब मेरी सौतन को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप क्यों बोल रहे हो, चलो बैठो खाना खाते हैं। मुझे पता है ये सब जानबूझकर कर रही है, कोई नहीं जल्दी ना मैं ये खाना खाकर इसे भगाती हूँ। तीनों खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद मीनू दीपा को उसके कमरे में भेज देती है और अपने कमरे में जाकर दीपा कहती है, अब क्या करूं, इतनी देर तक तो किसी न किसी बहाने से इनकी सुहागरात रोक दी, लेकिन अब क्या करूं। दीपा अपना दिमाग लगाने के बाद दूध में जमाल गोटा मिलाकर वापस उनके कमरे में आकर कहती है, अरे आज तो मीनू की सुहागरात है तो दूध तो बनता ही है ना। हाँ लेकिन दूध तो लड़का पीता है ना, तो आप मुझे क्यों बोल रही हो।
तो क्या हुआ, जरूरत तो तुम्हें भी है ना दूध की। चलो अब ये दूध एक सांस में पी जाओ। पी लो मीनू, नहीं तो ये यहीं खड़ी रहेगी। दीपा मीनू को दूध पिलाती है और उन्हीं के कमरे के बाहर जाकर छुपकर खड़ी हो जाती है। अनिल और मीनू आपस में प्यार भरी बातें कर रहे थे कि तभी मीनू के पेट से आवाजें आती हैं और मीनू अपना पेट पकड़कर भागते हुए वॉशरूम जाती है और उसके वॉशरूम जाने की आवाज सुनकर दीपा वापस कमरे में आकर अनिल से कहती है, क्या हुआ, मुझे कुछ आवाज सुनाई दी थी जैसे कोई भाग रहा हो, सब ठीक तो है ना? पता नहीं, अभी तक तो सब ठीक ही था, लेकिन अचानक से मीनू भागते हुए वॉशरूम में गई है, पता नहीं उसे क्या हुआ। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वॉशरूम से पेट पकड़े हुए मीनू बाहर आती है और उसे देखकर दीपा कहती है, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तुम ऐसे भागते हुए क्यों गई, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? पता नहीं, मेरे पेट में अचानक से ना बहुत तेज दर्द हो रहा है। हाय हाय, एक मिनट, मैं अभी आती हूँ। इतना बोलते हुए मीनू फिर से भागकर वॉशरूम जाती है। काफी देर तक जब मीनू ऐसे ही अंदर बाहर करती है तो दीपा अनिल से कहती है, अरे शायद मीनू का पेट खराब हो गया है, इसलिए तुम्हारे साथ समय बिताने से ज्यादा वॉशरूम में समय बिता रही है। हाँ, मुझे भी यही लगता है कि कुछ उल्टा सीधा ही खा लिया होगा। कोई बात नहीं, अब तो लगता है शायद आज पूरी रात मीनू का अंदर बाहर चलता ही रहेगा। आप एक काम करिए, मेरे साथ मेरे कमरे में सो जाइए। हाँ ठीक बोल रही हो, चलो वहीं सो जाता हूँ। और वैसे भी अब तो तुमसे थोड़ी बहुत बात भी होने लग गई है, वरना पहले तो ना बात होती थी और ना ही कुछ। कोई बात नहीं, रात भी है और बात भी, अब बातें करनी हो तो कर लेना। चलो तुम्हारे कमरे में ही, मीनू से कल बात कर लूँगा, तब तक शायद वो भी ठीक हो जाए। चलो भला हो मेरी सौतन का, आज उसकी वजह से ही सही, उसकी सुहागरात को तो पता नहीं, लेकिन मेरी सुहागरात के पूरे पूरे चांस हैं। दीपा और अनिल दोनों कमरे में चली जाती है और वहाँ बहुत अच्छा समय बिताते हैं। और यहाँ मीनू वॉशरूम में समय बिताती है। मीनू यहाँ जिसका इतना इंतजार कर रही थी, वो रात तो आती है और मीनू ने गुजारी भी, लेकिन वॉशरूम में। ऐसे ही अब दोनों घर में एक दूसरे की बराबरी करती रहती और नोकझोंक के साथ घर में खुशी खुशी रहती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।